गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल एट योर फेवरेट यूट्यूब चैनल विज्ञान विहान। इस चैनल पर हम फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हमारे व्यूअर्स के लिए क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते हैं। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन करने वाले हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए वेव मैकेनिक्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स अर्थात तरंगों के अध्यारोपण से संबंधित एक विशेष परिघटना अप्रगामी तरंगे या स्टेशनरी वेव्स का अध्ययन करेंगे। अब हम अध्ययन करेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य तनित डोरी में, उसके बाद हम अध्ययन करेंगे खुले और बंद ऑर्गन पाइप में अप्रगामी तरंगों का उत्पन्न होना। अब हम अप्रगामी तरंगों के लिए माध्यम के किसी निश्चित बिंदु पर स्थित कणों के वेग की गणना करने के लिए विस्थापन की समय के साथ दर की गणना की जाएगी। तो वेग के लिए लिखा जाएगा v = dy/dt और y का मान जो कि अभी अभी हाल ही में हमने समीकरण प्राप्त की है y = 2a cos kx sin ωt, इस समीकरण का समय के साथ अवकलन किया जाएगा तो ओमेगा पद आगे आ जाएगा और 2a ओमेगा कोस kx कोस ओमेगा t यह पद प्राप्त होगा। अब आप यह देख सकते हैं कि वे निश्चित बिंदु जहां कोस kx का मान अधिकतम है अर्थात प्रस्पंद बिंदुओं पर जहां पर x का मान n लैम्ब्डा by 2 के बराबर प्राप्त हुआ है अर्थात λ/2, λ/3, λ/2, 2λ आदि इन सभी स्थानों पर प्रस्पंद बिंदुओं पर कण के वेग का मान कोस के x का मान अधिकतम प्राप्त होने के कारण वेग का मान अधिकतम v मैक्सिमम प्राप्त होगा वह होगा 2a ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा t। इस प्रकार वेग का मान उन बिंदुओं पर समय के साथ कोस ओमेगा टी के आधार पर परिवर्तित होता रहेगा और प्रस्पंद बिंदुओं पर जहां पर कण का आयाम अधिकतम है उन बिंदुओं पर माध्यम के कणों के वेग का मान भी अधिकतम प्राप्त हुआ है। इस प्रकार निष्पंद बिंदुओं पर यदि गणना की जाए तो वेग का मान v मिनिमम प्राप्त होगा जो कि cos kx की वैल्यू 0 निष्पंद बिंदु पर होने के कारण होती है। जहां पर v मिनिमम का मान 0 प्राप्त होगा x का मान यहां होगा 2n+1λ/4 या लिख सकते हैं λ/4, 3λ/4, 5λ/4 आदि। अब हम माध्यम के किसी बिंदु पर विकृति की गणना करने के लिए dy/dx वैल्यू ज्ञात करनी होगी या हवा में ध्वनि के गति के साथ आप कह सकते हैं कि वहां पर उत्पन्न होने वाले दाब परिवर्तन की दर की गणना की जाए तो उसे कहा जाता है विकृति। dy/dx का मान प्राप्त होगा d/dx और 2a cos kx sin ओमेगा t यदि cos kx का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो हमें प्राप्त होता है -(2a sin kx sin ωt)। तो अब आप ये देख सकते हैं कि वे बिंदु जहां पर हमें प्रस्पंद प्राप्त हुए थे उन बिंदुओं पर कोस के एक्स का मान था अधिकतम लेकिन साइन के एक्स का मान होगा 0। अतः प्रस्पंद बिंदुओं पर विकृति का मान प्राप्त होता है न्यूनतम परंतु निष्पंद बिंदुओं पर जहां पर आयाम का मान है 0, वेग का मान है 0, वहां पर विकृति का मान अधिकतम प्राप्त होगा। विकृति के एक्स का मान यहां पर एक्स बराबर 2n+1λ/4 यदि प्रतिस्थापित किया जाए तो विकृति का मान यहां प्राप्त होगा -(2a
साइन ऑफ ओमेगा टी अर्थात समय के साथ उन बिंदुओं पर विकृति के मान में परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन निष्पंद जहां पर किसी प्रकार की गति प्रदर्शित नहीं होती है वहां विकृति का मान प्राप्त हुआ है वह है अधिकतम। इस तथ्य को आप ध्यान रखेंगे और आगे हम अनुनाद नली में उत्पन्न होने वाली अप्रगामी तरंगों का अध्ययन करेंगे। अब सर्वप्रथम हम एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न होने वाली अप्रगामी तरंगों की आवृत्ति के बारे में गणना करेंगे। किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के मध्य एक तनी हुई डोरी में उत्पन्न होने वाली अप्रगामी तरंग के लिए प्रथम परिसीमा प्रतिबंध यह है कि उसके दोनों अंतिम सिरों पर सदैव आपको निष्पंद प्राप्त होंगे। डोरी के सिरों पर उत्पन्न होने वाले ये निष्पंद, इनका कारण यह है कि इन बिंदुओं पर माध्यम के कण अपनी स्वतंत्र गति के लिए मुक्त नहीं है, यहाँ पर इनका स्थिर रहना जरूरी है। इस डोरी के अप्रगामी कंपन के समय कंपन की आवृत्ति यादृच्छिक रूप से कुछ भी हो ऐसा नहीं है। यह सदैव आवश्यक है कि कंपन के कारण अप्रगामी तरंग के निष्पंद सदैव इन अंतिम बिंदुओं पर हों, और कुछ अन्य स्थितियां भी इस प्रकार से बनती हैं। इस पूरी तरंग की लैम्ब्डा बाई 4 लंबाई उपयोग में आई है। आगे यदि इस डोरी को इस प्रकार से कंपन करवाया जाए कि निष्पंद इस डोरी के मध्य में रहें, प्रारंभिक कंपन विधा को कहा जाता है मूल आवृत्ति या प्रथम सनादि, द्वितीय विधा की आवृत्ति को कहा जाता है द्वितीय सनादि या द्वितीय अधिस्वरक। यह है मूल आवृत्ति, इसे कहा जाता है प्रथम अधिस्वरक, और इसके आगे प्राप्त होने वाले कंपन की तृतीय विधा, जिसमें इस डोरी में इस प्रकार के तीन लूप बनते हैं, उसे कहा जाता है द्वितीय अधिस्वरक। इस प्रकार से यहाँ पर मूल आवृत्ति को गणना में काम न लेते हुए आगे इनका नाम रखा गया है वह है प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय अधिस्वरक, इस प्रकार से। और यदि इनकी आवृत्ति की गणना की जाए, यहाँ पर डोरी की कुल एल लंबाई में तरंग के कितने लूप बने हैं, यहाँ पर तरंग की लंबाई लैम्ब्डा बाई 4 है, यहाँ पर 2 ऑफ लैम्ब्डा बाई 4, या आप लिख सकते थे लैम्ब्डा बाई 2, यहाँ पर 3 ऑफ लैम्ब्डा बाई 4। हमने जो सूत्र पिछले वीडियो में जाना था वह था v वेग इज इक्वल्स टू f मल्टीप्लाई विद लैम्ब्डा, f जो कि आवृत्ति है, v तरंग का वेग है। तो l लंबाई में प्रथम प्रकार के कंपन में, मूल आवृत्ति में, द्वितीय प्रकार के कंपन में, तृतीय प्रकार के कंपन में जो अंतर हमें प्राप्त हुआ है वह है इनके गुणांक का, लैम्ब्डा बाई 4 का गुणांक यदि स्मॉल n लिखा जाए, स्मॉल n लैम्ब्डा बाई 4 इज इक्वल्स टू l जो कि इस डोरी की कुल लंबाई है, यहां से लैम्ब्डा की गणना कर ली जाए तो 4l बाई n लिखा जाए। अब यहां से तरंग की आवृत्ति f बराबर v बाई लैम्ब्डा, और आप यहां लिख सकते हैं तरंग की आवृत्ति v बाई लैम्ब्डा का मान 4l अपॉन n लिखा जाए, या आप लिखेंगे n मल्टीप्लाई विद v अपॉन 4l। इस प्रकार यह स्थिति जो प्राप्त हुई है इससे आप गणना कर सकते हैं कि किस प्रकार से कुछ निश्चित आवृत्तियों पर ही दोनों सिरों पर तानित किसी डोरी में उत्पन्न हुए अप्रगामी तरंगों की आवृत्ति की गणना की जा सकती है, विशेष रूप से वाद्य यंत्रों जैसे सितार, वॉयलिन, सारंगी आदि में
इसी विधि का उपयोग करते हुए उनको कंपित किया जाता है और उनसे अलग अलग आवृत्ति के स्वर उत्पन्न किए जाते हैं। अब यदि किसी डोरी में उत्पन्न हुए इन अधिस्वरक के आवृत्तियों की आपस में तुलना की जाए तो इस सूत्र से जहां पर F इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई विद V अपॉन 4L प्राप्त हुआ है, N का मान यहां पर 1, 2, 3, 4 आदि पद हैं, तो आप ये स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इन अधिस्वरकों की आवृत्तियां F1 रेशियो F2 रेशियो F3 रेशियो F4 इसी प्रकार से आगे भी हमें प्राप्त होते हैं 1:2:3:4 और इसी प्रकार से आगे ये पद हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सम और विषम दोनों प्रकार के अधिस्वरकों की आवृत्ति हमें प्राप्त होती है जो कि दोनों सिरों पर तनित डोरी के अंदर अप्रगामी तरंग के दौरान प्राप्त होती है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से एक खुले ऑर्गन पाइप और एक बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाली अप्रगामी तरंगों के अधिस्वरकों की आवृत्ति आपस में संबंधित होती है। किसे कहते हैं बंद ऑर्गन पाइप? एक नली जिसमें वायु भरी हुई है उसमें एक सिरे से या तो वह ठोस रूप से बंद कर दिया जाए या उसमें किसी निश्चित ऊंचाई तक कोई अन्य पदार्थ द्रव इत्यादि भर दिया जाए, इसे कहा जाता है बंद ऑर्गन पाइप। इसके विपरीत एक अन्य स्थिति प्राप्त होती है जिसमें एक खोखला पाइप जिसमें दोनों हिस्से खुले हुए हों वे वायु से मिलते हों, इसे कहा जाता है खुला ऑर्गन पाइप। ये है बंद ऑर्गन पाइप। अब यहाँ पर इनमें उत्पन्न होने वाली अप्रगामी तरंगों के लिए परिसीमा प्रतिबंध की बात करते हैं तो एक बंद ऑर्गन पाइप के लिए इसके विपरीत में ठोस सतह पर स्थित बिंदु कंपन नहीं कर सकता है। यह प्रतिबंध स्थिति है कि इस बिंदु पर आवश्यक रूप से निस्पंद प्राप्त होगा और इसका खुला हुआ सिरा जो कि वायु से मिलता है वह वायु से मिलते समय कंपन के लिए मुक्त होने के कारण वह बिंदु अधिकतम आयाम के साथ कंपन करेगा और वह बिंदु कहा जाएगा प्रस्पंद। इसी प्रकार एक खुले ऑर्गन पाइप के दोनों सिरे जो कि खुले हुए हैं इसके दोनों खुले सिरे आवश्यक रूप से एक अप्रगामी तरंग में प्रस्पंद के रूप में प्राप्त होंगे और अप्रगामी तरंग इस प्रकार से इसके अंदर बनेगी कि दोनों खुले सिरों पर सदैव आपको प्रस्पंद प्राप्त होंगे। अब यदि इनके अधिस्वरकों की आवृत्ति की गणना की जाए तो सबसे पहले आप एक बंद ऑर्गन पाइप के लिए यदि L लंबाई को मानते हैं और L लंबाई के समान यहाँ पर तरंग की लंबाई जो कि लैम्ब्डा 1/4 है इसके लिए जब आवृत्ति की गणना करेंगे तो चूंकि L का मान लैम्ब्डा 1/4 प्राप्त हुआ है और आवृत्ति की गणना F का मान प्राप्त करते समय आपको यह मान प्राप्त होगा N मल्टीप्लाई विद V डिवाइड बाई 4 ऑफ L। यह हुई इसकी मूल आवृत्ति जिससे कि एक बंद ऑर्गन पाइप में अनुनाद की स्थिति प्राप्त होती है और एक अप्रगामी तरंग का निर्माण होता है। द्वितीय स्थिति जिसे आप कहेंगे प्रथम अधिस्वरक उसके लिए समान लंबाई के पाइप के अंदर तरंग इस प्रकार से उत्पन्न होती है कि पुनः इस ठोस सतह पर आपको निस्पंद प्राप्त होगा और तरंग की लंबाई जो इसके अंदर आपको प्राप्त हुई है वो होगी 3 ऑफ लैम्ब्डा 2/4। यह लंबाई फिर से L लंबाई के बराबर होगी। तब आप ये कह सकते हैं कि प्रथम तरंग के लिए
एफ वन का मान जो कि वी बाई फोर एल प्राप्त हुआ था, द्वितीय तरंग के लिए एफ टू का मान हमें प्राप्त होगा थ्री ऑफ वी बाई फोर ऑफ एल। इस प्रकार से आगे जब इससे उच्च अधिस्वरकों की गणना की जाती है, एक बंद ऑर्गन पाइप जिसे अनुनाद नली या बंद ऑर्गन पाइप कहते हैं, इसके अंदर प्राप्त होने वाले अधिस्वरकों की स्थिति इस प्रकार से होती है कि प्रथम अधिस्वरक इसकी मूल आवृत्ति की तुलना में तीन गुनी आवृत्ति पर कंपन करता है, ये हुआ प्रथम अधिस्वरक। द्वितीय अधिस्वरक की स्थिति जब इस नली की कुल लंबाई L का मान बराबर होगा 5 ऑफ लैम्डा 3 बाई 4 के, और उस स्थिति में द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति का मान F3 मान होगा 5V अपॉन 4L। अतः यदि बंद ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाले इन अधिस्वरकों की आवृत्तियों की तुलना की जाती है तो आप लिख सकते हैं F1 रेशियो F2 रेशियो F3। इस प्रकार से यदि आगे भी लिखा जाए तो ये मान हमें प्राप्त होंगे विषम अंकों के रूप में 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो, इस प्रकार आगे भी। और सनादि का नामकरण इस प्रकार से किया गया है कि मूल आवृत्ति की तीन गुनी आवृत्ति होने के कारण प्रथम अधिस्वरक को कहा जाता है तृतीय सनादि, और द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति का मान मूल आवृत्ति का 5 गुना है, इसलिए इसे कहा जाता है पंचम सनादि। इस प्रकार से इनके नामकरण किए गए हैं। और यदि हम इसी प्रकार एक खुले ऑर्गन पाइप के लिए भी मूल आवृत्ति की गणना करते हैं तो यहाँ पर पाइप की कुल लंबाई जो कि L है, पाइप के अंदर उत्पन्न होने वाले इन अप्रगामी तरंगों की कंपन की विधाओं को कहा जाता है प्रसामान्य विधाएं, क्योंकि ये अनुनाद नली इन निश्चित आवृत्तियों के अलावा अन्य आवृत्तियों पर यादृच्छिक रूप से किसी भी आवृत्ति पर कंपन नहीं कर सकती है, अप्रगामी तरंग उत्पन्न नहीं करती है, और इन प्रसामान्य विधाओं पर ही विशेष रूप से विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जैसे कि बांसुरी आदि निर्भर करते हैं। अब हम प्रस्पंद की स्थिति में मूल आवृत्ति या मूल विधा की बात करते हैं तो यहाँ पर तरंग की लंबाई जो कि लैम्डा 1 बाई 2 है वह बराबर हो जाएगी L के, L इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई 2। और आप जब इस स्थिति में आवृत्ति की गणना करते हैं तो मूल आवृत्ति F1 का मान प्राप्त हो जाएगा आपको V अपॉन 2 ऑफ L, और इससे उच्च अधिस्वरक की आवृत्ति की गणना जब की जाती है तो उच्च अधिस्वरक की स्थिति इसी प्रकार से होती है कि दोनों खुले सिरे सदैव प्रस्पंद के रूप में प्राप्त होते हैं और भीतर अप्रगामी तरंग का प्रारूप उसी प्रकार से होता है। इस प्रकार इसके प्रथम अधिस्वरक की बात की जाए तो तरंग की लंबाई जो कि लैम्डा 2 है पूरी तरंग के बराबर प्रारंभिक स्थिति से प्रारंभ होके पुनः उसी कला में पहुंचने पर पूरी तरंग लंबाई हमें प्राप्त हुई है। अतः आप लिख सकते हैं लैम्डा 2 इज इक्वल टू L, और द्वितीय स्थिति में अर्थात प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति का मान F2 इज इक्वल टू प्राप्त होगा V अपॉन L। आगे इससे भी उच्च आवृत्ति के बारे में जब हम स्थितियों को देखते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है द्वितीय अधिस्वरक की स्थिति में तरंग की लंबाई इस नली के अंदर प्राप्त होती है वह होती है 3 ऑफ लैम्डा 3 बाई 2। अतः आप लिख सकते हैं 3 ऑफ लैम्डा 3 बाई 2 इज इक्वल टू L, अर्थात लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2 ऑफ L बाई 3।
तब यदि इस स्थिति में द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति की गणना की जाए तो आप लिखेंगे एफ थ्री इज इक्वल टू थ्री ऑफ वी अपॉन टू एल, और प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति को भी इसी स्थिति में और प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति को भी यदि इसी रूप में लिखा जाए तो 2V ऑफ 2V डिवाइड बाय 2L प्राप्त होता है। इस प्रकार से इन आवृत्तियों में आप आपस में जब संबंध देखेंगे तो यह जानेंगे कि खुले ऑर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार की सनादियां उत्पन्न होती है, जबकि बंद ऑर्गन पाइप में केवल विषम सनादियां ही उत्पन्न होती है। खुले ऑर्गन पाइप में उत्पन्न होने वाली सनादियों की आवृत्ति मूल स्वरक की आवृत्ति हुई प्रथम सनादि प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति होगी द्वितीय सनादि, क्योंकि यह मूल आवृत्ति की जस्ट दोगुनी है, और द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति होगी तृतीय सनादि, क्योंकि यह मूल आवृत्ति की तीन गुना है। इस प्रकार से इन आवृत्तियों की आपस में तुलना की जाए तो F1 रेशियो F2 रेशियो F3 इस प्रकार हमें प्राप्त होता है 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4। इस प्रकार से ये स्थिति हमें प्राप्त हुई है खुले ऑर्गन पाइप के लिए, और ये स्थिति हमें प्राप्त हुई थी बंद ऑर्गन पाइप के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस किए गए वेरियस टॉपिक्स आप ठीक से समझ पाए होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस टॉपिक प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to tap on the bell icon so that you can get notifications. Thank you.